बहुत बड़ा झूठी निकली काजल राघवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, काजल राघवानी ने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान बहुत सारा खुलासा किया है, पवन सिंह को लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर, निरहुआ को लेकर, यानी तमाम खुलासा किया है काजल राघवानी ने। जो कि काजल राघवानी ने उस इंटरव्यू में 50% झूठ बोला है। ये बात सबको पता है, खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह में चक्कर चल रहा था, फिर ब्रेकअप हुआ, उसके बाद खेसारी लाल यादव का चक्कर चलने लगा काजल राघवानी से, और इस बात का जिक्र खेसारी लाल यादव ने कई बार किया है। तो देखिए, मैं आप सभी को शॉर्टकट में ही बता देता हूँ, खेसारी लाल यादव को लूटने के चक्कर में पड़ गई थी काजल राघवानी, इसी वजह से खेसारी लाल यादव काजल राघवानी से दूर हो गए। खेसारी लाल यादव को पटाकर सोच रही थी कि 2 BHK का बंगला उंगला ले लें और राज करें, लेकिन खेसारी लाल यादव जाल में नहीं फंसे, चाप के निकल गए। एक बात और खेसारी लाल यादव के बारे में काजल राघवानी ने बोली है कि स्पॉन्सर के पैसे से खेसारी लाल यादव गरीबों का मदद करते हैं, और स्पॉन्सर के पैसे से खेसारी लाल यादव गरीबों का मदद कर दिए तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, एक बात और काजल राघवानी ने बोली है श्याम देहाती की पत्नी के बारे में, वो बात बिल्कुल सत्य और सही है। ये सब छोड़िए, आप चलिए आगे बढ़ते हैं काजल राघवानी की एक और झूठी बात के तरफ। काजल राघवानी ने बोली है कि मैं बहुत ही पवित्र हूँ और किस वाला सीन मैं नहीं करती हूँ, मेरे घर वाले गुस्सा जाते हैं। और एक बार पवन सिंह के साथ किस वाले वीडियो गाने का शूट किया जा रहा था, काजल राघवानी नहीं करना चाह रही थी, बहुत ही समझाया बुझाया गया, बट नहीं, काजल राघवानी मानी, पवन सिंह भी गुस्सा कर चल दिए। और उसी समय से पवन सिंह और काजल राघवानी में थोड़ा सा दूरी हो गया है। और कैसे हो जाला प्यार, इस फिल्म से पहले काजल राघवानी ने बहुत सारे फिल्मों में किस वाला सीन शूट किया है, और आज काजल राघवानी पवित्र बन रहे हैं कि ना घर वाले गुस्सा जाएंगे किस करने पे, जो कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और यश कुमार ने इनको खूब किया है। अगर आप सभी को और भी रोमांटिक वीडियो देखना है तो यश कुमार काजल राघवानी रोमांटिक वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पे, बहुत ही खतरनाक वीडियो मिल जाएगा आप सभी को यूट्यूब पे। तो देखिए, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि मैं लेटेस्ट न्यूज़ ज़्यादातर देता हूँ, और ऐसा न्यूज़ बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, सोचना पड़ता है क्या बोलना है क्या दिखाना है। तो चलिए, कोई बात नहीं, सबको पता है काजल राघवानी जो भी बोल रही है बिल्कुल फालतू की बातें बोल रही है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।